हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको UGC नेट पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते हैं आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की नॉलेज अच्छी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और गाइस, क्वेश्चन को देख करके आई थिंक आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है कौन सा होने वाला है, वो है डाटा इंटरप्रटेशन। सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है कि सब लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, कुछ लोगों को तो अब डर खत्म हो गया, बट कुछ जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभी थोड़ी इस टॉपिक को क्लियर नहीं हो पाया कि DI के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो आज यही टॉपिक हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आपको सक्सेस पानी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मोटिवेशन फॉर सक्सेस, यानी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड प्रिपेयर करिए। सबसे पहले दिमाग में सोचिए कि यस, आई कैन डू दिस, इम्प्रूव एंड मोटिवेट योरसेल्फ फॉर अ मोर सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो आज भी ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और आई नो कि आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ये कोरोना वाला जो क्वेश्चन है, ये कोरोना वाला जो क्वेश्चन है 2022 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, आपका अभी 2022 की जो लेटेस्ट एग्जाम था उसमें भी पूछा गया। सॉल्व करना शुरू करिए, टाइम दूंगी मैं आपको 60 सेकंड का। आंसर बताइए, दिया क्या गया है? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर कैसे निकालना है। तीस सेकंड और देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाती है, और देखना है कि कुछ लोग सही सॉल्व करेंगे, कुछ लोग गलत सॉल्व करेंगे, तो किसका सही होता है किसका गलत। चलो भाई, आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस? यहां पर क्या दिया हुआ है, कोरोना की जो जांच हुई उसका पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई है, यानी हॉस्पिटल ए है तो हॉस्पिटल ए में कितने लोग पॉजिटिव हैं, इतने लोग पॉजिटिव हैं। अब 100 में कितने लोग पॉजिटिव हैं, अगर इसको काउंट करो 30, 35, 15 और 10, टोटल कितना हुआ 90, यानी कि 90। 90 में 100 में से अगर 90 लोग पॉजिटिव हैं, यानी कितने लोग निगेटिव हैं, 10 लोग, यानी 10 लोगों को कोरोना नहीं है, 90 लोगों को कोरोना है। सेम ऐसे ही बी में निकालेंगे, बी में कितने लोगों की जांच हुई है, 50 लोगों की जांच हुई है, 50 में से 15, 10, 5 अस्पताल इस तरीके से काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना, हॉस्पिटल का निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर एक काम और कर सकते हो, या तो इस तरीके से निकालो पर्टिकुलर कि जितने भी आपके मान लीजिए 50 है, 50 में से 35 को माइनस करिए, 15 ऐसे ही सी को निकालिए, डी को निकालिए, या तो ऐसे करो, या फिर आपको क्या करना है, टोटल जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी जाँचों की कुल संख्या, कुल संख्या यानी 100, 50, 100, 50, टोटल कितना है 300, ये लिख लीजिए, और इन सब को टोटल कर लीजिए 107 में, सब एक साथ कर लीजिए। जब आप पूरा टोटल करेंगे, पूरा पूरा मतलब कि ये पूरा का पूरा, अगर वैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको काउंट कर लीजिए, इनको काउंट करोगे तो बेटा निकलेगा 250,
कितना निकलेगा? 250 निकलेगा। यानी कि 250 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अगर 300 में से 250 को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर 50 ही आएगा। कितना आएगा? 50 ही आएगा। टोटल केसेस कितने हैं? 300 केसेस हैं, जिसमें कि निगेटिव लोग हैं 50। हमें जब प्रतिशत निकालना है तो करेंगे इंटू 100। कितना निकलेगा? सीधा सीधा यहाँ से 2 0 हटा दीजिए, 2 0 यहाँ से हटा दीजिए, कितना बचा? 50/3, 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 16.67। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो तरीके मैं बता रही हूँ। एक तो 100 में से आप देख लीजिए, हॉस्पिटल ए में मान लीजिए 90 लोग पॉजिटिव हैं, तो 100 में से 90 को घटाइए तो 10, या तो आप इस तरीके से काउंट करिए कि 10 15 15 10, निकलेगा कितना? 50। या तो इस तरीके से निकालिए, या फिर अगर आपको इजी मेथड और चाहिए तो इन सबको टोटल कर लीजिए फटाफट से। इन सबको, चारों कॉलम को टोटल कर लीजिए तो पॉजिटिव केस मिल जाएंगे। उन पॉजिटिव केसेस को घटा दीजिए जितनी भी जांचें हुई हैं, जितने भी केस हैं। केस कितने हैं टोटल? 300। यानी 300 लोगों का टेस्ट हुआ, 300 में अगर 250 लोग पॉजिटिव या 250 पॉजिटिव निकले तो कितने लोग निगेटिव निकले? नेचुरल सी बात है, 50, बस 50। जितने लोग, जितने केसेस थे उनको लिखे टोटल को नीचे, इंटू 100, आंसर आ गया 16.67। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करना शुरू करिए। अब यहां पर अनुपात पूछा गया है, रेशियो ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी वन एंड सिटी थ्री। पहले में नेगेटिव केस पूछा गया, अब पूछा गया पॉजिटिव। सिटी एक और सिटी तीन में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का अनुपात कितना है? याद रखिए, पेपर वन पेपर टू दोनों एक साथ आएंगे, कोई भी गैप नहीं होगा इन बिटवीन देम, तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सिटी वन को टोटल कर लीजिए, सिटी थ्री को टोटल कर लीजिए और रेशियो निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने क्या कहा था आपसे कि सिटी वन जो है इसका बेटा टोटल निकालिए। टोटल का मतलब है 30, 15, 35 और 10, टोटल कर लीजिए। ऐसे ही सिटी थ्री में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव केसेस हैं, 15, 5, 15, 5, टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद क्या करना है? टोटल किया, सिटी एक में निकल के आया 90, सिटी थ्री में निकल के आया 15, 5, 15, 5, टोटल निकल के आया 40। इसको टोटल करिए तो निकल के आएगा 90। रेशियो निकालने के लिए इन्होंने कहा जो सिटी पहले लिखी गई है, अगर यहाँ पे सिटी थ्री पहले लिखी होती तो सिटी थ्री का 40 पहले लिखते, लेकिन इन्होंने पहले किसको बोला है? सिटी वन को। तो सिटी वन का सबसे पहले है 90 और सिटी थ्री में है 40। 0 0 बेटा हटा दीजिए। अब देखिए क्या ये संख्या किसी टेबल से कटेगी? नहीं कटेगी, थ्री से भी नहीं कटेगी, टू से भी नहीं कटेगी। यानी यहां पर हमारा काम पूरा हो गया। अब आपका जो अनुपात है वो है 9 और 4 का। आ रही है बात समझ में? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सिटी वन का पहले लिखे कि सिटी थ्री का। जो भी चीज आपसे पहले पूछी गई है, अगर आपकी सिटी वन आपसे पहले पूछी गई है तो सिटी वन का पहले लिखेंगे, अगर आपसे सिटी थ्री पूछी गई है तो सिटी थ्री का पहले पूछे लिखेंगे और उसके बाद दूसरी का लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री। आंसर करिए, पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है और साथ ही समझाया जा रहा है, तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, आप लोग पूरा वीडियो देखिए।
और टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, काउंट करो बेटा, जोड़ो, सिर्फ जोड़ना है यहाँ पे। अगर आपको यह समझ में आ गया कि जोड़ना है, पॉजिटिव चीज की बात की गई है, किस हॉस्पिटल में अधिकतम व्यक्तियों के पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट मिली है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस? किस हॉस्पिटल में पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या सबसे ज्यादा मिली है, यानी अधिकतम? अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल ए में कितने टेस्ट हुए? 100। 100 में पॉजिटिव कितने थे? 90। बी में 50 टेस्ट हुए, 50 में से 35 पॉजिटिव निकले। सी में 100 चेकिंग हुई, जिसमें से 85 केसेस निकले पॉजिटिव। 50, 50 में कितने निकले? 40 पॉजिटिव। इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा है? ए में, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस पॉजिटिव निकले हैं, 90। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कहा जाता सबसे ज्यादा निगेटिव किसमें है, अभी मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन किया मैक्सिमम, अगर आपसे कहा जाता मिनिमम, अगर आपसे कहा जाता मिनिमम पॉजिटिव केसेस किसमें हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताएं। सबसे ज्यादा ए में पॉजिटिव निकले हैं, या फिर मिनिमम की जगह अगर आपसे लिखा जाता सबसे ज्यादा निगेटिव केसेस कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा पॉजिटिव ए में और सबसे ज्यादा निगेटिव कहाँ पे है भाई? सबसे कम है यहाँ पे बेटा, ऑप्शन नंबर, यहाँ हॉस्पिटल बी में 35। कितने? 35। ठीक है, यही होगा कि नहीं, कमेंट करके जरा बताना। जरा मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। 50 में से 35, एक मिनट रुको। 50 में से इसको निकालने का एक तरीका ये कर सकते हो, अगर हम मिनिमम की बात करेंगे, अगर हम पॉजिटिव केसेस में मिनिमम की बात करेंगे तो 35 निकलेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे निगेटिव केसेस की तो क्या हो जाएगा आपका? 100 में से जैसे मान लीजिए पहले पॉजिटिव केस निकला 90, तो यानी कि 10 निगेटिव हैं पहले में, दूसरे में 50 थे, 50 में से 35 अगर हम बात करें, 35 आपके जो पॉजिटिव पाए गए, यानी 15 निगेटिव पाए गए, और उसके बाद 100 में 85, यानी कितने निगेटिव पाए गए? 15। सही है कि नहीं, एक बारी बता देना जरा यार। उसके बाद फिर से 50 में से 40, यानी 10 अगर हम बात करेंगे, तो सबसे अगर बात करें तो यार सेम ही आ रहा है, क्योंकि 10 इधर भी आ रहा है, 10 इधर भी आ रहा है। 50 में से 40 पॉजिटिव है, यानी 10 सबसे मिनिमम 10 वाला हो जाएगा, तो आई थिंक ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। निगेटिव केसेस अगर हम बात करें सबसे कम ए और डी में, और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो बी और सी में। फिर भी एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, माइनस कर देना है पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर करो। किस शहर में पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली है? अभी हॉस्पिटल पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, बट दिस टाइम आपसे पूछा गया है सिटी के बारे में। कैलकुलेट कर लो, सिटी ए, सिटी टू, सिटी थ्री, सिटी फोर, जिसमें सबसे ज्यादा हो वही आपका आंसर है। चलिए फिर से टाइम स्टार्ट करी हूँ, जल्दी कैलकुलेट करिए।
चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कैसे निकालना था। सिटी वन को ऐसे कैलकुलेट करना था सामने सामने, यानी 30, 15, 35, 10 कितना हुआ 90। ऐसे ही सिटी टू को काउंट करना था, होगा 85। सिटी थ्री को निकलेगा 40 और फिर निकलेगा 35। सेम इस तरीके से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हमसे क्या पूछी गई है, सिटी किस सिटी में पॉजिटिव की टोटल संख्या ज़्यादा है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। 90, 85, 40, 35 इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, नेचुरल सी बात है 90 ज़्यादा दिख रहा है, तो सही आंसर होगा सिटी वन, ऑप्शन नंबर बी। जब आपसे हॉस्पिटल पूछे जाएंगे तो आपको कैसे चलना है, इस तरीके से चलना है। अगर आपसे सिटी पूछी जाएगी तो आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए, 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है और वो ये है कि फिजिक्स लिखा है तो फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स 100 है, केमिस्ट्री में 100 है, मैथ में 100 है, हिस्ट्री में 50 है, कंप्यूटर साइंस में 50 है और हिंदी में भी 50 मार्क्स हैं, उसमें से इनको मार्क्स मिले हैं। तो अब आप आंसर निकालिए इसका, फिर से दे रही हूँ 30 सेकंड का टाइम। इन्होंने सिर्फ ए के बारे में पूछा है, परसेंटेज में दिया हुआ ये कुल अंकों का प्रतिशत कितने मार्क्स मिले हैं, अधिकतम अंक 100 था, 100 में से 80 मिले हैं, 100 में से 76 मिले हैं, 100 में से 68 है, 50 में 40, 50 में 36, 50 में 24। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। लिखा है कि विद्यार्थी ए के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का प्रतिशत कितना है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जब हम लोगों का रिजल्ट आता है, आप 10th का रिजल्ट लें, आप 12th का रिजल्ट लें, ग्रेजुएशन का रिजल्ट लें, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मार्क्स हमको मिलते हैं जैसे कि 100 में से 80, 100 में से 76, 68, 40, 36, 24, उनको टोटल कर लेंगे 324। परसेंटेज नहीं दिया गया है, इन्होंने डायरेक्ट मार्क्स दिए हुए हैं कि 100 में से उसको 80 मिले, 100 में से उसको 76 मिले, तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे 324, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो 100, 100, 100, 50, 50, 50, अगर इन सबको आप जोड़ देंगे तो हाईएस्ट मार्क्स होंगे 450। 450 में से 324 मार्क्स मिले, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि प्रतिशत बताइए। जब भी कभी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, इंक्रीज यानी कि लाभ हानि परसेंटेज, आपसे किसी भी चीज़ का प्रतिशत पूछा जाए तो आपको इनटू 100 तो लगाना ही लगाना है। सीधा सा आप इसको डिवाइड करिए, आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी, 72%। इसको इस तरीके से सॉल्व करिए कि जैसे आपको मान लीजिए मार्क्स मिले हैं, अगर परसेंटेज पूछा जाता तो क्या होता, तो 100 का 80% निकाल लेते, ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखा होता, लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं है, इसलिए इजी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी डी और ई के कुल अंकों के प्रतिशत में कितना अंतर है। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। अभी जैसे आपने ए के मार्क्स निकाले हैं, सेम ऐसे ही डी का निकालिए, ई का निकालिए, परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के बाद दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। अभी जैसे ए का कैलकुलेट किया, सारे मार्क्स को जोड़ के 450 जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे डिवाइड कर दो इनटू 100। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बस इसके बाद समय नहीं मिलेगा।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या किया था हमने ए के साथ में? ए के सारे मार्क्स को हमने टोटल कर लिया था, और जो हमारा यहाँ ये जो ओपन टोटल जो हमारे मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, उससे डिवाइड किया था। तो सेम हमने डी के साथ करना था, यानी आपने पहले डी को पूरा का पूरा जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो बनेगा 302। ऊपर टोटल कितने मार्क्स हैं? हाईएस्ट हैं आपके 450। ठीक है, अब 450 को लिखिए नीचे इंटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में पूछा गया है। कितना निकलेगा? 67.12। ऐसे ही आपने ई का निकाल लेना है। टोटल करेंगे तो आएगा 260। टोटल कितने मार्क्स है? 450। 260 को डिवाइड करिए, इंटू करिए 100। 57.78%, क्योंकि इन्होंने पूछा है अंतर दोनों में प्रतिशत में कितना अंतर है, तो आपस में माइनस करेंगे अंतर जानने के लिए। आंसर आएगा 9.34%। जहां भी जिसको डाउट लगे कि नहीं समझ आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो बेटा और तुरंत उसको टेलीग्राम पे डालो। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करो बहुत आराम से, इसीलिए मैं क्वेश्चन को समझा रही हूं कि तुम लोगों के दिमाग में आ जाए। मैक्सिमम मार्क्स मैं लिख देती हूँ, 100, 100, 100, 50, ये भी 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक केमिस्ट्री मैथ पीसीएम में, सॉरी, विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? थोड़ा सा टाइम और दे रही हूं। स्टार्टिंग में ही आपको पीसीएम दिखेगा, स्टार्टिंग में इस वाली रो में, इस वाली रो में, इस वाली रो में पीसीएम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, बात करिए फिजिक्स का टोटल करना था आपको, टोटल करेंगे तो आएगा 443। अब इन्होंने केमिस्ट्री बोला, केमिस्ट्री का टोटल कर लीजिए 441। अगर परसेंटेज लिखा होगा तो आपको याद रखिए 100 में से उसका परसेंटेज निकालना होगा, बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है। कभी कभी क्या दिया होता है कि 100 में 76%, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, बट ये क्वेश्चन अभी नहीं दिया है। अभी डायरेक्ट आपको मार्क्स दिए हैं, इसलिए बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी सीधे से हम निकाल लेंगे, टोटल करेंगे तो निकलेगा 1287। कितना निकलेगा? 1287। किसका प्राप्तांक का औसत पूछा गया है? छात्रों यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इनको सब्जेक्ट का, अगर ये एवरेज पूछते, अगर सब्जेक्ट का एवरेज पूछते तो आप 3 से डिवाइड करते, बट आपसे पूछा गया है स्टूडेंट के, स्टूडेंट का एवरेज, तो 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 स्टूडेंट है। आंसर आएगा 214.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछते आपसे कि सब्जेक्ट वाइज बताइए एवरेज कितने मार्क्स मिले, तो आपको आंसर देना होगा 3 से डिवाइड करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फिर से जोड़ घटाना है आपको, जल्दी जल्दी जोड़िए। विच स्टूडेंट ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स? अब सिर्फ जोड़ना है आपको। सेकंड और देती हूँ।
ए का जोड़ लीजिए, बी को जोड़ लीजिए, सी को जोड़ लीजिए और डी को। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे छह कैंडिडेट दिए गए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये छह को जोड़ने लग जाते हैं, जिससे टाइम वेस्ट होता है। आपको इनको नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ ए को जोड़ना है, जिसका ऑप्शन है सिर्फ उसको जोड़ना है, बी को जोड़ना है, सी को जोड़ना है और डी को। अब ये नहीं है कि आप ई और एफ को जोड़ने लग जाएं, क्योंकि अगर उसको जोड़ेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सामने ही आपको थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन मैटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। कंपेयर करेंगे अगर दूसरे से, अगर कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो जोड़ लीजिए, ए का टोटल कर लीजिए, बी का कर लीजिए, सी का कर लीजिए, डी का कर लीजिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस में सबसे ज़्यादा है। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अब इन्होंने क्या कहा, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। यानी अब आपको देखना है कि 100 का 60% कितना होता है, 60, 50 का 60% कितना होता है, 30। अगर आपको ये पता लग गया तो यार आराम से सॉल्व कर जाओगे। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी 100 का 60% हुआ 60। यानी अब आप देखिए कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसको फिजिक्स में 60+ मिले हैं, इसमें भी 60+ मिले, 60+ यानी कि या तो 60 नंबर है या उससे ज़्यादा। सेम देखिए गणित में, अगर इतिहास में आएंगे यानी हिस्ट्री में, क्योंकि 50 का है तो 5 का 60% निकालेंगे तो 50 × 60 करेंगे कितना होगा, 30। 30 निकालेंगे यानी कि 30 से ऊपर जिसके मार्क्स हो, 30 या 30 से ऊपर, 30 वाले को भी काउंट करेंगे, 31 को भी काउंट करेंगे, 32 को भी काउंट करेंगे। सेम यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30। क्या करेंगे अभी, अभी यहाँ पे देखो, पहले में देखो ए उसको फुलफिल करता है, बी करता है, सी करता है, डी भी कर रहा है बट ई नहीं कर रहा है, और एफ करता है क्योंकि एफ में 68 है। सही है 60। अब देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 60 से ज़्यादा है, इसमें भी 60 से ज़्यादा है और इसमें भी 60 से ज़्यादा है। इसमें देखिए गणित में अगर हम बात करें, 60 से ज़्यादा और ये 60 से कम है, यानी ये भी आउट हो गया। इसमें भी 60 से ज़्यादा, इसमें से 60 ज़्यादा, यानी डी और ई को आपने पहले ही बाहर कर दिया। अब कितना बचा, अब इतिहास में आएंगे, अब देखो 30 से ज़्यादा, 40 30 से ज़्यादा है, 42 बिल्कुल सही, 38 डी आउट है, 31 को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एफ भी आउट हो गया क्योंकि 26 आ गया। इन्होंने क्या कहा है कि सभी विषयों में, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑल सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 30 से ज़्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है। डी एलिमिनेट कर ही दिया था हमने, ई को एलिमिनेट किया था, क्योंकि एफ कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एफ को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इन दो, इन तीन पे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों हमने देख लिए हैं कि इनमें सभी सब्जेक्ट में 60% नहीं है। अब 50 में ध्यान से देखिए, 30 होने जरूरी हैं, कम से कम 30 है क्या इसमें, ए में नहीं है, दूसरे में है क्या, नहीं है, 26 कम है, यानी सिर्फ एक बचा, वो है 31 जो कि है आपका सी, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया, बी ए भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ सी सही है। इस तरीके से एलिमिनेशन करना है, लेकिन फास्ट स्पीड में करना है। देखिए यही बताया मैंने, सिर्फ एक सही है, सिर्फ सी ही ऐसा है जिसको विषय में 60% या 60% से ज्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो हो गया है DI, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। जो चीज़ ना समझ में आए जल्दी से आप लोग
पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। और ये पीडीएफ मैं अभी वेबसाइट पर अपलोड कर लूंगी, लिंक टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और चैट सेक्शन पे मैसेज में भी देख सकते हो, मैंने लिंक दे रखी है। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जो भी आप ग्रुप से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो यही विशेस कर रहे हैं आपके सामने, और ऑल द वेरी बेस्ट।